अब्दुल रोजिक के अब जो दुश्मन कहे जाते हैं, कॉम्पिटिटर कहे जाते हैं, हजबुल्ला, उन्होंने एमसी स्टैन और अब्दू के बीच में जितनी भी चीजें हुई हैं उसको लेकर अब क्या कहा है। हजबुल्ला ने अब अब्दू को निशाना बनाते हुए क्या स्टैन का पक्ष लिया है, क्या कहा है हजबुल्ला ने, मैं हिना कुमावत आपको टीवी विंडो पर बताऊंगी। तो हजबुल्ला आप जानते ही हैं, वो 20 साल के हैं, लेकिन वो भी अब्दू की तरह ही 5 साल जितने ही लगते हैं, छोटे लगते हैं। तो अब उनकी भी वही फिजिकल सिम्टम्स हैं जो कि हजबुल्ला के हैं, अब्दू के, दोनों के सेम हैं। अब जब ये सारी चीजें सामने आई हैं तो उसके बाद हजबुल्ला ने भी चुटकी ली है और बड़ी बात जो है वो अब्दू पर कह दी है। हजबुल्ला ने कहा कि अब्दू जो है वो बड़े की तरह कभी रिएक्ट कर ही नहीं सकता, ही कैन नेवर एक्ट एज एन एडल्ट, वो आगे कहते हैं, और इवन आंसर क्वेश्चंस लाइक एन एडल्ट, ऑल ही डज इज हैंग आउट विद इंडियन गर्ल्स एंड सिंग एंड डांस विद देम, अ मैन हैज टू एक्ट लाइक अ मैन। तो उसने कहा कि सब उसे जो आता है वो यही आता है कि वो इंडियन गर्ल्स के साथ नाचे, गाए, उनके सॉन्ग पर नाचे, डांस करे, अगर वो अपने आप को मैन कहता है तो मैन की तरह रिएक्ट तो करे। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि वो जो है उसका काम ही यही है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग गोइंग टू मीडिया टॉकिंग अबाउट अब्दू। वो उन्होंने बोला कि वो उसकी शुरू से ये सारी आदत रही है, ये सब काम वो करता ही रहता है। तो ये सारी चीजें अब जो है हजबुल्ला ने कही है अब्दू को लेकर, और अब देखना होगा कि क्या अब्दू हजबुल्ला की इन सारी चीजों पर रिएक्ट करता है। पर एमसी स्टैन और अब्दू के इस मैटर पर ऐसा लगता है कि हजबुल्ला को एक मौका मिल गया है और वो इन सारी चीजों पर स्टैन को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं शायद, और अब्दू के बारे में ये बातें कह दी हैं।